हाय गाइस, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं बताने वाली आपको एक अच्छे से प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है एरोलाइट। इसका यूज़ कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे। ये न्यू शूज़ है जो कि बिल्कुल भी यूज़ नहीं किए गए हैं, कॉम्बैट कंपनी का है। इसका साइज़ और डिटेल्स भी इसमें बताया हुआ है। कभी भी न्यू शूज़ को आपको जो सोल होते हैं वो इस एरोलाइट का यूज़ करके चिपकाना चाहिए। अगर आप बाहर किसी दुकान पर चिपकाने के लिए नहीं दे रहे हैं तो, और ओवरनाइट इसको सूखने के लिए रख देना चाहिए। एरोलाइट के अंदर दो पार्ट्स आते हैं, एक हार्डनर होता है और एक रेजिन होता है। तो उसमें दो ट्यूब्स होते हैं, तो उसके दोनों मटेरियल इक्वल अमाउंट में ले लें। आप किसी शाइनी या सॉफ्ट स्मूथ सरफेस वाली इस चीज़ पर इसको ले लें, कोई भी किचन यूटेंसिल ना लें क्योंकि बाद में एरोलाइट उसमें से नहीं निकलता है। तो मैंने जो लिया है वो एक कार्डबोर्ड है, चिकना वाला कार्डबोर्ड। उस पर दोनों ट्यूब की इक्वल अमाउंट निकाल कर अच्छे से मिक्स कर लें। इतना मिक्स करते जाएँ जितना आपको ज़रूरत है एक वक्त में, वरना वो सूख जाता है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद ही लगाएं। देखिए, इस तरह से अप्लाई करें, स्प्रेड करें ऑल ओवर द सोल। उसका वो पार्ट जो आपको अंदर चिपकाना है उसी पर लगाएं, क्योंकि ज़रा सा भी बाहर लग जाएगा वो एरोलाइट तो बाद में निकलता नहीं है और बुरी तरह हमारे सॉक्स को चिपकेगा या हमारे पैर को चिपकेगा। इस तरह से आराम से आपको लगाना है और इसको प्रेस कर देना है किसी चीज़ से, और ओवरनाइट सूखने के लिए, ड्राई होने के लिए रख देना है। न्यू शूज़ पहले आते थे सोल चिपक कर, अब उसका सोल चिपका हुआ नहीं होता है, तो उसको अच्छे से चिपका दें। एरोलाइट बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप कोई भी चीज़ इसे चिपका सकते हैं और इसका कॉस्ट ज़्यादा नहीं है। अब इसका दूसरा और एक आप देख लीजिए एग्जांपल। कभी भी आप ना थोड़ा थोड़ा अमाउंट ले। देखिए, ये मैं और एक बार इसको ले रही हूँ, ज़रूरत पड़ने पर और एक बार ले रही हूँ। और उसका मिक्सचर अच्छे से बना दिया आपने, तो ये और एक शूज़ जो पहले हमने वाइट शूज़ पर लगाए थे, अब ब्लैक शूज़ पर लगाएंगे, क्योंकि न्यू शूज़ पहले चिपके हुए आते थे, उसका सोल चिपका हुआ नहीं होता है। तो अगर आप चिपकाएंगे नहीं, वैसे ही पहन लेंगे, तो बाद में बिल्कुल भी वो नहीं चिपकेगा, क्योंकि वो बाद में आपकी पैर की शेप ले लेता है, पैर से वो दब जाता है, थोड़ा बिन हो जाता है, तो वो चिपकता नहीं है। तो इस तरह से इसको स्प्रेड करना है आपको, बहुत ही अच्छे से लगाना है। और अच्छे से लगाने के बाद आपको आपके जूते पर चिपका देना है, चाहे छोटे बच्चों का जूता रहो, बड़ों का जूता रहो, फैंसी शूज़ रहो या स्कूल के शूज़ रहो, या कोई भी सैंडल रहो या चप्पल रहो, जो भी रहो, सोल अगर निकला हुआ है तो आपको उसको अच्छे से लगा देना है। एरोलाइट बहुत ही अच्छा काम करता है, एक बार लगा देंगे तो कई साल तक नहीं निकलेगा, वाटर प्रूफ होता है एरोलाइट। इसके और भी सारे यूजेस हैं, इस पर मैंशन किया गया है। फेविकॉल कंपनी वाली ही प्रोडक्ट ये है एरोलाइट, क्योंकि पेडीलाइट जो प्रोडक्ट्स बनाती है उसमें एरोलाइट भी मौजूद है। तो एक वाइट ट्यूब होता है और एक ब्लू ट्यूब होता है। तो मैंने वाइट ट्यूब का अमाउंट ले लिया, थोड़ा सा और ज़रूरत था तो, और ब्लू ट्यूब का भी ले लिया। अभी अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि वह सूख जाता है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा एक ही बार में नहीं निकाल सकते। ये देखिए, इस तरह से आपको इसको लगाना है। लगाने के बाद फ़ौरन चिपका दे, वरना इतनी जल्दी सूख जाता है वो कि आपका सारा प्रोडक्ट वेस्ट हो जाएगा। ये इस तरह से आपने सोल पे लगाया और शूज़ पर आराम से चिपका देना, अच्छे से प्रेस कर देना उसको, और ओवरनाइट ड्राई होने के लिए रख देना ज़रूरी है। फ़ौरन अगर आप पहनना शुरू कर दोगे इसको तो ये सूखेंगे नहीं, आपके पैरों पर लग जाएगा और जितना भी अमाउंट था वो आपके पैरों पर लगेगा, आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। इसीलिए देख संभल कर आप एरोलाइट को यूज़ कीजिए, हाथों पर लगने मत दीजिए क्योंकि स्किन पर लगा तो निकलता नहीं है, और कोई यूटेंसिल ना ले क्योंकि उस पर भी वो निकलेंगे नहीं।